हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है एक्सिल रिले के बारे में ब्रेकर में देखिएगा मल्टीपल डिले लगा हुआ है ठीक है उसमें ये भी है एक्सिल रिले इसी का फंक्शन हमें देखने वाला है ये एक्सिल रिले आपका अलार्म के लिए पोखल से अलार्म वाइंडी टेम्परेचर अलार्म ऑयल टेम्परेचर अलार्म के लिए और ये वाला एक्सिल रिले आपका ट्रिपिंग के लिए ठीक है पोखल से ट्रिप ट्रिप ट्रिपरे ऑयल टेम्परेचर का ट्रिपिंग के लिए ठीक है ये एक्सरे का सर्किट डायग्राम मैंने दिया हुआ है कैसे कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का मास्टरिंग बॉक्स है ना उसमें डब्ल्यू टी आई वो ओ टी आई लगा हुआ है वहीं से और ये पोकर से जैसे आपका ब्रेकर में कनेक्शन जाएगा ठीक है और फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर राइज हो गया ठीक है सो टेम्परेचर वाइनटीन टेम्परेचर राइज होने से क्या है तो उसका जो डायल है डब्ल्यू टी आई उसका जो कॉन्टेक्ट है एनवो कॉन्टेक्ट क्लोज होकर सप्लाई देगा आपको रिले में ठीक है सो रिले का जो ये काइल है वो एनजिस होकर उसका एनओ ओ क्लोज होगा वो एनओ कंटेक्ट क्या करेगा जो ए टी सिक्स मास्टर ट्रिप रिले को एनेंज करेगा तो मास्टर ट्रिप रिले जाके आपको ब्रेकर ट्रिप कराएगा ठीक है यही इसका फंक्शन है यहाँ पे देखिए तो बी ए मतलब बी ए डब्ल्यू ए मतलब पोकट से अलार्म वाइंडिंग अलार्म ऑयल टेम्परेचर अलार्म का है ये क्या करेगा ब्रेक ट्रिप नहीं करेगा जब अलार्म देगा वहाँ से ओ टी आई डब्ल्यू टी ए सी वो 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 में आपको इंडिकेशन देगा आपका टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है ठीक है मतलब ज़्यादा रिच हो गया है ट्रिप होने वाला बोल के अलार्म देगा ओके okay. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर हो गया तो उसका रीसेट करने के नीचे जो फ्लैग पिन है उसको प्रेस करने से क्या ऊपर का जो फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा ठीक है